हेलो भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो केक बनाने जा रहे हैं, ये फ्रेश फ्रूट केक है। तो ये भी केक कस्टमाइज है, और ये जो है जिन सर ने ऑर्डर किया है, ये इन्होंने हमें गूगल पे सर्च किया था, और इन्होंने पहले हमारे गूगल के जो हमारे रिव्यू हैं, जो भी फीडबैक हैं, इन्होंने वो हमारे सारे फीडबैक पढ़े, उसके बाद इन्होंने मुझे ऑर्डर किया है। तो इन्होंने बोला कि जैसे आपका फीडबैक है गूगल पे और रिव्यू है, सेम वैसे ही केक बनना चाहिए, और मैं आपका रिव्यू देखकर ही आपको ऑर्डर कर रहा हूँ। तो इन सर की 16वीं एनिवर्सरी है, और ये जो है 2 फ्लोर का केक है, तो उसके लिए सर ने जो है ये फ्रेश फ्रूट केक ऑर्डर किया है 2 फ्लोर का, और ये 3 किलो का केक है। तो हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है कि कस्टमर की जो डिमांड होती है, हम कहीं उसे अच्छा बना के दें हमेशा। तो इस बार भी हम यही करेंगे कि जितना अच्छा बना सकते हैं उससे कहीं अच्छा बना के देंगे, ताकि सर को जो पसंद आए, सर ने सर को जो हमारा फीडबैक मिला है, जो सर ने फीडबैक पढ़ा है हमारा गूगल पे, जो भी रिव्यू देखे हैं, उससे कहीं अच्छा सर को केक पहुँचे, और सर को भी सर भी आए गूगल पे रिव्यू करें हमारा। तो सर की ये 16वीं एनिवर्सरी है, इसलिए सर ने बहुत बहुत ही गूगल पे बहुत टाइम तक सर्च किया, पूरा दिन लगा दिया सर ने गूगल पे, उसके बाद इन्होंने ये डिज़ाइन फाइनल करी है। ये केक हमें डिलीवर भी करना पड़ेगा, क्योंकि सर ने हमें बोल रखा है कि उनकी 16वीं एनिवर्सरी और 3 किलो का केक है, तो वो जो है घर पे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, वो किसी होटल में सेलिब्रेट करेंगे। और सर ने हमें एड्रेस भी अपना भेज दिया है, और टाइम भी बता दिया है कि किस टाइम तक ये केक डिलीवर करना है। तो अभी तो पहले हम सर का केक रेडी करते हैं, और केक रेडी करके पहले केक को फ्रिज करेंगे, क्योंकि केक 3 किलो का है, और हमें नहीं पता कि वहाँ पे फ्रिज, वैसे होटलों में फ्रिज तो होती है, लेकिन वो लोग जो है फ्रिज में रखते नहीं हैं कहीं और का फूड, इसलिए जो है हम पहले ही केक को बना के थोड़ा पहले बना देंगे और अच्छे से डीप फ्रिज कर देंगे पहले ही केक को बना के थोड़ा पहले बना देंगे और अच्छे से डीप फ्रिज कर देंगे ताकि केक अच्छा ठंडा हो जाए और केक का टेस्ट भी अच्छा है, क्योंकि केक जितना ज़्यादा ठंडा होता है, केक का टेस्ट उतना ही अच्छा होता है। कभी कभी कस्टमर को ये लगता है कि हमसे बोलते हैं कि उनको हैंड टू हैंड चाहिए, तो हम हैंड टू हैंड बना के तो दे देते हैं कस्टमर को, लेकिन जो हमारे केक का रियल टेस्ट है वो हैंड टू हैंड वाले केक में नहीं आता, क्योंकि केक जब तक ठंडा नहीं होगा अच्छे से, तब तक केक का रियल टेस्ट नहीं आता। तो अभी हम फटाफट सर का केक बना देते हैं, और उसके बाद जो है केक बना के हम फ्रिज में रख देंगे। और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, और आपको रोज़ इस चैनल पे एक नई वीडियो मिलती रहेगी, आप जो है नए नए डिज़ाइन रोज़ देख सकते हैं, और आप अपने घर पे भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं वीडियो को देख के, और बिल्कुल आप बेकरी जैसा केक अपने घर पर बना सकते हैं। केक बनाना इतना टफ नहीं है, और इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें प्रैक्टिस की होती हैं, अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपको भी केक बनाना आ ही जाएगा। तो ये सर का 2 टेयर केक है, तो इसके 2 टेयर बन चुके हैं, अब हम जो है इसके ऊपर वाला उठा के इसके ऊपर रख देते हैं। ये उठा के रखने में बहुत डर लगता है, कहीं ये फिसल के नीचे ना आ जाए। तो ये 3 किलो का केक है, और ये फ्रूट केक है, फ्रेश फ्रूट केक,
तो हमने ये केक रख दिया, आप देख पा रहे हैं। अब इसके ऊपर हमें जो है डिजाइन करनी है, तो हमने जो है इस पे कुछ रोज लगे हुए हैं क्योंकि एनिवर्सरी केक है, तो हमने रोज जो है पहले से बना रखे हैं। हम रोज को जो है सिर्फ उठा उठा के केक पे लगा देना है, तो फटाफट जो है रोज को केक के ऊपर लगा देते हैं। आप देख सकते हैं रोज हमने पहले बना रखे हैं। अभी हमें सिर्फ केक रख देना है, तो फटाफट सारे रोज उठा के इसके ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है केक डिलीवर करने का, हमारे पास अब टाइम भी नहीं बचा है ज्यादा। तो रोज लग चुके हैं, अब इस पे हमें पेटल्स लगा देने हैं फटाफट। तो अब फटाफट इस साइड में जो है कुछ पत्ते बना देते हैं। इस केक के ऊपर रोज कुछ और लगा सकते हैं इस पे, क्योंकि इस पे जो है स्पेस बच रहा है, तो उसी खाली स्पेस पे हम रोज और कुछ रख देते हैं। और इस केक पे जो डिजाइन है उस पे जो है कुछ सिल्वर बॉल्स हैं, तो हम इस पे सिल्वर बॉल्स भी ऐड कर देते हैं। फाइनली केक बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं।
और आप जरूर बताएं हमें कि इस केक का लुक कैसा आया है। तो फाइनली केक बन के तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये 3 किलो का केक है, 2 टेयर में है। तो ये सर की 16वीं एनिवर्सरी है, तो उसके लिए सर ने बनवाया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देख के ज़रूर बताएं कि आपको केक कैसा लगा, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका ये प्यार ही जो है हमें और अग्रसित करता है कि हम और नई नई वीडियो बना के डालते रहें। तो थैंक यू सो मच, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।